नमस्कार दोस्तों, सारस्वत स्टैनोन टाइपिंग क्लासेस में मैं प्रमोद सारस्वत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर प्री पेपर की जो एग्जाम है उसकी प्री क्लासेस जो है वो उसका शुभारंभ किया जा रहा है। और आज की थॉट के साथ कि आज मुश्किल है तो कल थोड़ा अच्छा होगा, इसीलिए उम्मीद मत छोड़ना क्योंकि आने वाला कल जरूर बेहतरीन होगा। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो पुरानी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं उनको पूरी तरह से जो एकजुट होना है, तैयारी करनी है दोस्तों। और इस बार जो आपको जो अपना कल बेहतर करने के लिए सारस्वत क्लासेस के साथ लगकर मैंने आपको कहा था कि रफ कॉपी और पेन की खर्चा करवाऊंगा आपसे, बाकी सब मैं पढ़ाऊंगा, आपका पूरी तैयारी जो है वो हम लोग करवाने वाले हैं। और जो हमारा पार्ट होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम जो पढ़ाएंगे वो थ्योरिकल पार्ट पे पहले कवर करेंगे। थ्योरिकल पार्ट क्या होगा, हमें बेस समझना होगा किसी भी चीज को जब हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप एकदम से कैसे याद कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप याद करने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप रटवा दूंगा, सारे क्वेश्चंस रटवा दूंगा, सब यहाँ पर होने वाला है, कोई अलग चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल जबरदस्त तैयारी कीजिए। अब की बार 180 पार, इसका मतलब क्या, 200 में से 180 को क्रॉस करेंगे सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ। तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सारे कवर करवाऊंगा। थ्योरी में बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती है लेकिन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके हर एक पॉइंट को कवर कर देते हैं। तो पहले हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद सेकेंड जो पार्ट होगा वो उसके हम सारे क्वेश्चंस भी साथ के साथ निकालते हुए चलेंगे ताकि थ्योरी से जो क्वेश्चन है वो फटाफट अटैच हो और हम जल्दी से उसको पढ़ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है और जो राजस्थान का बेटी, जैसा कि आप जानते हैं कि 75 जो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे जो कि वेटेज रखेगा 50 नंबर का। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि 75 क्वेश्चन जो है वो ओनली राजस्थान के हैं। तो राजस्थान को इस बार बहुत ज्यादा अच्छे से अपन को करना है और यहाँ का जो पहला अपन जो पॉइंट है वो है राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और उसमें भी राजस्थान की भौतिक दशाएं और प्रमुख भौतिक विभाग। तो सबसे पहले हम राजस्थान की भौतिक दशाएं और उसके बाद भौतिक विभाग को लेंगे और इस पार्ट को हम खत्म करने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन क्वेश्चनों के बाहर से लगभग लगभग आपके कुछ नहीं जाएगा, जो 180 पार का लक्ष्य है उसको पूरा हम करते हुए और आज की जो पहली सीरीज है वो हम लेके चल रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सर अब जो नए जिले बन चुके हैं तो क्या हमें ओल्ड राजस्थान पढ़ना है या अब न्यू राजस्थान के अकॉर्डिंग पढ़ना है? ये सवाल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर विद्यार्थी के नजर में है कि भाई नए जिलों का निर्माण हो चुका है तो अब नए क्वेश्चन यहां पर आएंगे। तो पहले मैं आपको देखिए छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं। पहली बात क्लियर करने की क्या है वो समझिए आप कि ओल्ड राजस्थान में से ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं लेकिन न्यू राजस्थान में क्या आएगा, न्यू राजस्थान में जो संभाग आपके बने हैं, जो जिले आपके बने हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड रहेंगे और उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नए अपडेट्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ और उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी आपके लिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से लाया जाएगा। तो आप इस बात के लिए निश्चित रहें। बाकी जो भी थ्योरिकल पार्ट या जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो ओल्ड राजस्थान में से ही रहेंगे और इस बात को मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए अभी तक जो सीमाएं बनी है वो सिर्फ कागजों में बनी है लेकिन अभी आप ये समझिए कि रिवर इस जगह से बहती हुई जा रही है। तो अब जो नए जिले बने हैं, मान लीजिए कोई रिवर अगर पहले यहाँ से यूं जा रही है और अब वो यहाँ जा रही है तो इसमें दो तीन नए जिले और आ चुके हैं, तो अब उन जिलों को भी उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जल संसाधन मंत्रालय को ये बताना पड़ेगा कि ये रिवर इसी जिले से निकली, उस जिले को अपडेट करना पड़ेगा। अभी कागजी कार्रवाई बहुत सी होगी और तब जाके वो ऑथेंटिक होता है। तो इस बात को समझ लीजिए, अभी जितना काम सरकार की तरफ से हुआ है सिर्फ उतना ही काम यहां पर और होगा। ठीक है, तो पहली बात तो हम यहां पर इस चीज को कवर कर लेते हैं। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने पर हमें विशेष ध्यान देना है कि जो राजस्थान की भौतिक दशाएं हैं
राजस्थान की भौतिक दशाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें क्या क्या समझना है। तो सबसे पहली बात आप ये देख पा रहे हैं कि जो राजस्थान का उत्तरी मैदानी भाग जो है वो दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि किसका पार्ट रहा, पुरातात्विक टाइम पे किसका पार्ट रहा, तो ये रहा था टैथिस सागर का पार्ट। क्या? टैथिस सी का पार्ट। अब आप ये समझ लीजिए कि कई कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि जैसलमेर जैसी जगह पर जब खुदाई हुई, जब वहां पर जीवाश्म देखे गए, तो वहां ऑक्टोपस के, मछलियों के और इसके जीवाश्म मिले। तो इसका मतलब क्या होता है वो आप समझिए कि यहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, जहां पर आज रेगिस्तान है, आज जो मैदानी भाग है, तो वहां क्या हुआ करता था, मरुस्थलीय भाग जो है वहां पर समुद्र हुआ करता था, और तो इसके अवशेष भी जो है वो मिले हैं। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका क्या कवर करता है, टैथिस सागर को जो है वो कवर करता है। और जो नीचे जो आपका ये वाला पार्ट, आपका जो दक्षिणी पूर्वी भाग जो है दोस्तों, ये वाला सारा भाग आपका कवर करता है गोंडवाना लैंड का, ठीक है। तो शुरुआत में अगर अपन देखें तो पेंजीरिया करके इस तरीके से पूरा भूभाग जो है वो एक साथ बना हुआ था। धीरे धीरे पृथ्वी के जो है जो भूभाग के टुकड़े हुए भूकंप की वजह से, उल्का पिंड की वजह से, कई वजह से, तो यहाँ पर जो टेरिसिक पार्ट आता है जहां पर लुनेशिया और गोंडवाना लैंड के दो हिस्से यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद में जुरासिक काल आता है, जब आप जैसे जुरासिक पार्क और ये आप सुनते हैं कि जो डायनासोर्स का टाइम रहा और ये रहा, उस टाइम पे जब अपन बात करते हैं जुरासिक टाइम पे, फिर इसके और विखंडन होते हैं, फिर क्रिटेशियस पार्ट में फिर और ज्यादा होते हैं, और नाउ प्रेजेंट में जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं तो कुछ इस तरह की ये पृथ्वी जो है वो नजर आती है। तो इसीलिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट होगा, और ये जो ऊपर का जो पार्ट है नॉर्थ वाला, ये टैथिस सागर का पार्ट रहेगा, टैथिस सागर का पार्ट रहने वाला है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं। तो पहली बात, जो राजस्थान की भौतिक दशा है उसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरण सबसे पहले क्यों आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, जिसका मैंने आपको कहा कि हम पहले थ्योरिकल पार्ट समझेंगे एक, और उसके बाद में फिर हम इसके जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन पे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी का जो आप डिजाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो दो चीजें होती है। पहला, ये ध्रुवीय प्रदेश है ना, क्या है, ध्रुवीय प्रदेश है। तो ध्रुवीय प्रदेश को किस तरीके से करना है, ये दोनों जो ऊपर के और नीचे के ये जो ध्रुव है, तो ये ध्रुवीय प्रदेश कहलाते हैं, जो कि आपको पता है आर्कटिक और अंटार्कटिका जो महाद्वीप कहलाते हैं, जो पूरी तरह से बर्फ में होते हैं, ढके हुए होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश होते हैं। और एक आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेटर लाइन, ये वाली लाइन जो ये कहलाती है, ये इक्वेटर लाइन कहलाती है, 0 डिग्री, ठीक है, और इसको हम हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा होगी वो भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में इक्वेटर रेखा कहेंगे। और इक्वेटर क्यों कहेंगे, क्योंकि इस जगह पे सूर्य की जो किरणें होती है वो बिल्कुल सीधी आती है, और इसीलिए ये जो इलाका होता है दोस्तों वो सबसे ज्यादा गर्म इलाका होता है। यहाँ का जो पानी होगा वो गर्म होगा, यहाँ पर जो देश होंगे वहां पे ज्यादातर मरुस्थल प्रदेश जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सीधी किरणें अगर यूं है तो ये किरण जो है वो तिरछी होती जा रही है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो मैंने वही चीज आपको कही कि ये कितनी, ये तिरछी होती जा रही है। तो जहां पर सूरज की किरण सबसे तिरछी पड़ रही है वो सबसे ज्यादा बर्फ में ढके हुए हैं, बिल्कुल ठंडे हैं, और जो बिल्कुल सीधा जिस पे पड़ रहा है वो क्या है, गर्म प्रदेश है, ठीक है। तो ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देने वाला है, क्योंकि यहां पर एक रेखा और आएगी जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे, ये 0 डिग्री हो गया है। तो साढ़े जो उत्तर में, तो 23.5 डिग्री उत्तर पे जो रेखा मिलेगी आपको, मतलब ऊपर की ओर दिशाओं का, जो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो रेखा होगी वो कर्क रेखा होगी, और जो 23.5 डिग्री
साउथ में जो रेखा होगी मतलब नीचे की ओर जो रेखा होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा होगी। तो ऊपर की कर्क रेखा है और नीचे की मकर रेखा है, ठीक है। अब यहां पर जो राजस्थान का भाग है वो कर्क रेखा से रिलेटेड है क्योंकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, तो इसीलिए यहां पर हमें यह समझना होगा। दूसरी चीज जो समझनी होगी वो क्या है कि पृथ्वी जो है वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, मतलब किस तरह से, इस तरीके से आपकी इस दिशा में घूमेगी, ठीक है। तो यहां पर आप जो मूवमेंट देख रहे हैं वो इस तरीके से मूवमेंट है कि पश्चिम से आपका पूर्व की ओर जो पृथ्वी जो घूम रही है वो इस तरीके से रहेगी। तो आप यहां पर देखेंगे कि सूरज की किरण जब यहां पर इस तरह से घूम रही है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल लेके चलते हैं कि अगर सूरज यहां पर है, आप इस बात को समझिए, और अगर सूरज की जो किरण है वो यहां पर है, पृथ्वी यूं घूमती जा रही है, गोल घूम रही है, तो सबसे पहले सूरज की रोशनी किधर पड़ेगी, धौलपुर में पड़ेगी, और धीरे 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 जो रोशनी होती हुई कहां तक पहुंचेगी, वो आपके जो जैसलमेर का पार्ट है वहां तक धीरे 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 करके पहुंचेगी। तो इस चीज को हम थोड़ा सा और समझते हैं। बीच की जो है ये देशांतरीय रेखा होती है, यहां पर आप जो देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस देशांतर रेखा के इस तरफ मतलब ये वाला पार्ट जो आपका हो गया ये आपका पूर्व यानी ईस्टर्न पार्ट है, और ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका वेस्टर्न पार्ट में आएगा और ये वाला इलाका आपके जो ईस्टर्न पार्ट में आएगा मतलब पूर्वी भाग में आएगा, ठीक है। अब ये दशाएं जो हमारी भौतिक दशा है पृथ्वी पे कहां सेलेक्ट है, तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये देशांतर रेखा है और कर्क रेखा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री की, जो कि आपके भूमध्य सागर या इक्वेटर के नॉर्थ साइड में बन रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अकॉर्डिंग क्योंकि अब हम लेके चल रहे हैं। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अब अपन राजस्थान को लेके चल रहे हैं। तो राजस्थान में सबसे पहली बात ये कि सूरज की जो सबसे पहले सूर्य उदय कहां पर होगा, तो सूर्य उदय कहां पर होगा, आपके धौलपुर में, ठीक है। और अस्त कहां पर होगा, तो अस्त होगा आपके जैसलमेर में। अब इंपॉर्टेंट चीजें लेके चल रहे हैं। तो ये कर्क रेखा है दोस्तों, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री की आपके गुजरात से होते हुए निकलती है, गुजरात हो गया आपके, ठीक है, राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, तो ये इस तरीके से ये पूरा यू कटते हुए ये 23.5 डिग्री की जाती है। भारत का जब अपन ज्योग्राफिकल पार्ट पढ़ेंगे तो हम इसको और ज्यादा डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी जो हमें राजस्थान की बात को समझना है, तो राजस्थान में ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा जाती है आपकी बांसवाड़ा से होती हुई और टच करती है आपके डूंगरपुर के पार्ट को, ठीक है, किसके पार्ट को, डूंगरपुर के पार्ट को टच करती है। तो पहली बात तो ये कि कर्क रेखा हमने समझी कि किस तरीके से कर्क रेखा जो है वो हमारा जो स्थित है वो राजस्थान किस प्रकार से स्थित है। अब ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर जो राजस्थान है, राजस्थान एक तो टच होता है पाकिस्तान से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो पाकिस्तान से बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पहले मतलब समझ लीजिए, जब दो राष्ट्रों के बीच में कोई लाइन बनेगी या बॉर्डर बनेगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल कहलाता है, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड बात, एक होता है आपका अंतर्राज्यीय, मतलब राज्यों के बीच में जो सीमा या बॉर्डर बन रहा है उसको अंतर्राज्यीय कहा जाएगा, ठीक है, सॉरी ये अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों चीजें हो गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ, और अंतर्राज्यीय सीमा किसके के साथ बनाया जा रहा है, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और गुजरात के साथ, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ हम अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। डिटेल से और ज्यादा चर्चा भी इसमें करेंगे। अब यहाँ पर दोनों की बात भी करते हैं कि जो भारत का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वो कितना है, तो 32,87,263। दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी और इंडियन ज्योग्राफी में मैं इसको और ज्यादा डिटेल से करूंगा। और अभी हाल फिलहाल जो राजस्थान का, राजस्थान को आप याद करेंगे
342,239 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर अपन को याद क्या करना है कि टोटल 342 है, ठीक है। तो 342 को आपको कुछ इस तरीके से याद करिए कि मान लीजिए आपको ये तीन पार्ट दिख रहे हैं, तो तीन और ये दिख रहा है चार, आप सिर्फ इस वाले पार्ट को ले लीजिए। तो यहां पर तीन और चार, तो 342,000 इसको आपको डाइव करना है कि 342,239 वर्ग किलोमीटर इसको याद करना है अपन को कि 342,239 वर्ग किलोमीटर का क्या है क्षेत्रफल है। अभी हम परिमाप पे भी जाएंगे और सब चीजों पे काम करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक पार्ट लेना है कि तीन और चार, तो तीन चार से भी एक बार हम कनेक्ट करेंगे तो ये याद होगा कि 342,000 या तीन चार दिखेगा अपन को, तो हम इसको जल्दी कैच कर पाएंगे, ठीक है। और ज्यादातर आपको ये, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा आएगा, तो इसको आपको रटना है, याद करना है, आप इसको लिख लीजिए कि 342,239 ये ऑलमोस्ट पेपरों में आता है। और मैं आपको कई बार अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इस पे अपन और चर्चा भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और मैप को एक बार देखिए, बहुत ज्यादा समझना होता है जब भी हम किसी भी ज्योग्राफिकल पार्ट को पढ़ते हैं, तो मैप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस चीज को हम समझते हैं, देखिए यहां पर जब भी अपन बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर, पहले तो देशांतरों की बात हो रही है कि पूर्वी देशांतर जो है वो कितने से चालू होता है, तो 69.30 पूर्वी देशांतर। देशांतर अब यहां पर आप समझिए, देशांतर क्या होते हैं, ये देशांतर की लाइन है। मैंने आपको बताया था पूर्वी देशांतर मतलब ये वाला पार्ट, यहां से यूं बढ़ता हुआ चल रहा है, जैसे एक दो तीन चार, ये बहुत मतलब यहाँ पे जिस तरह से ऊपर की नीचे जो लाइनें होती है, तो एक लाइन की जो होती है वो देशांतरीय रेखाएं होती है इस तरीके से, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं इस तरीके से बढ़ती हुई चल रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, ठीक है। तो यहां पर जब अपन बढ़ते हैं तो 69.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से बढ़ते हुए 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, तो 69 ये वाला पॉइंट है और यहां पर ये वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से जो बढ़ती हुई जो चीज जा रही है, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये समथिंग आपका कितना 8.47 आप इसको मान लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कितना, देशांतर पूर्वी देशांतर का मतलब लाइनों का, जो देशांतरीय लाइनें कौन सी होती है, जो पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की तरफ होती है और इसी से आपका टाइम निर्धारित होता है। टाइम निर्धारित क्यों होगा, सूरज अगर यहां पर मान लीजिए जल्दी पड़ेगा और यहां पर आते आते उसको टाइम लगेगा, तो ये जो पार्ट है यहां पर डे होगा तो ये वाला पार्ट में आपके नाइट होगी। तो डे और नाइट किससे निर्धारित हो रहा है, आपकी देशांतरीय रेखाओं से, कि जो समय लग रहा है सूरज को वहां पहुंचने में। आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि आपका जो एक डिग्री, आपका एक डिग्री जो देशांतर रेखा है उसमें 4 मिनट का समय लगता है, मतलब सूरज की रोशनी को एक डिग्री देशांतर को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 8.47 डिग्री को पार करने में सूर्य को करीबन 35 मिनट और 8 सेकंड के लगभग समय लग जाता है, ठीक है। तो ये समय जो है 35 मिनट 8 सेकंड में राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो सूर्य की रोशनी है उसको पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा, 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग 36 मिनट के आसपास में इसका जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो देशांतरीय रेखाओं के कारण होता है। और इसीलिए भौगोलिक स्थिति में जब भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है, तो हम बताते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति जो होगी वो 73 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक रहेगी, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए कि 69:30 से लेकर आपकी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक आपकी जो भौगोलिक स्थिति है वो रहने वाली है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कर्क रेखा की, मतलब आप ये देखिए वापस अपन यहां पर चल रहे हैं, कर्क रेखा कौन सी है, ऊपर वाली, मकर रेखा कौन सी है, नीचे वाली।
तो हम बात कर रहे हैं इस कर्क रेखा की, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे तब और ज्यादा इसको समझ पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपके प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो यहां पर आप देखिए ये कर्क रेखा जो है वो कौन सी है, नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर जो उत्तरी रेखा है मतलब जो उत्तरी अक्षांश में, यहां नीचे की तरफ रहेगा कम क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और ऊपर रहेगा ज्यादा, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 पे तो कर्क रेखा है, लेकिन राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो 23 डिग्री 30 नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर से निकल रही है, लेकिन नीचे देखो हमें भौगोलिक स्थिति जाननी है। तो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा कितने पे चलेगी, 23 डिग्री 30 पे, ठीक है, या 23.5 डिग्री पे निकलेगी। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से होते हुए 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसकी भौगोलिक जो स्थिति है वो बनेगी, क्लियर है। तो यहां पर 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा आएगी, ठीक है, और 23.5 डिग्री को यहां पर जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर लिखा जाएगा 23.30, ठीक है। तो ये आपका पूरा मॉड्यूल रहेगा कि यहां पर गुणोत्तर 30 से 78 17 तक आपका पूर्वी देशांतरीय, और 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 तक आपका उत्तरी अक्षांश जो है वो यहां पर काम करेगा, ठीक है। और इसकी जो पूरी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो 342,239 रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं सर रेड क्लिफ की, बहुत इंपॉर्टेंट। रेड क्लिफ जो थे इनको 18 जुलाई को, दोस्तों रेड क्लिफ की भी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीमाओं की बात चल रही है तो सीमा निर्धारणों की बात चल रही है। 18 जुलाई 1947 की बात है दोस्तों, इनको काम दिया गया कि भाई आपको निर्धारण करना है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं को, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कई शर्तें भी रखी गई कि हमें भाई आप इसको देखो इसको देखो। तो जो जॉन क्लिफ है, रेड क्लिफ है, इन्होंने क्या किया, रोड को देखते हुए, पॉपुलेशन को देखते हुए कि भाई मुस्लिम समुदाय कहाँ रहता है, तो क्योंकि समय बहुत कम था तो उन्होंने आनन फानन में जो भी डिजाइन फाइनल हो सकते थे इन्होंने वो चीज फाइनल करके एक पूरी की पूरी जो सीमांकन रेखा है वो विद इन वन मंथ के अंदर अंदर करवा दी थी, कवर करवा दी थी। 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप जानते हैं क्या हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था दोस्तों, और 15 अगस्त 1947 के जस्ट 2 दिन बाद में मतलब 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा जो है वो खींच दी गई थी, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि अंतरराष्ट्रीय लाइन, अंतरराष्ट्रीय लाइन का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय रेखा राजस्थान में, राजस्थान और पाकिस्तान, राजस्थान राज्य और पाकिस्तान देश के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनी हुई है, और ये सीमा बनाने का जो श्रेय था वो किसको जाता है, सर जॉन रेडक्लिफ को जाता है। और ये टोटल 1070 किलोमीटर आपके राजस्थान में बनी हुई है। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 1070 किलोमीटर, और ये किनके द्वारा, रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, ठीक है। हाल ही में इतना अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो पाकिस्तान से जुड़ने वाले जो रेडक्लिफ रेखा जो खींची गई उससे जुड़ने वाले जिलों की अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब जब इस चीज की अपन चर्चा करते हैं तो इनको याद करने का भी थोड़ा सा ट्रिक मैं आपका लेके चलूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ लोग, यहां पर आप देख पा रहे हो कि कुछ लोग, और ये कुछ लोग कैसे किस तरह के लोग हैं, यहां पर देखिए एक छोटी सी कहानी, इस चीज को आप ये समझिए कि जब भी हम कोई चीज को याद करते हैं, कोई चीज को याद करने के लिए हमें लिंक जरूरी होता है कि 10-10, 11-11 नाम आप एक साथ याद कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी को मैं थोड़ा सा आपको प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मैं इस चीज को इजीली याद करा सकूं और आपको बिल्ड करने की तरीका बता सकूं कि हम किस तरीके से बड़े जो पार्ट होते हैं उनको याद कैसे रख सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक बात समझिए कि कुछ लोग हैं जो थार पारकर गाय, यहाँ पर आप एक गाय का फोटो देख रहे हैं, तो थार पारकर क्या होती है, गाय होती है, तो कुछ लोग हैं जो थार पारकर गाय के साथ में, ठीक है, तो आपका एक हो जाता है थार पारकर, एक वर्ड हो गया थार पारकर, और उसके साथ में कुछ उम्र दराज लोग, उम्र दराज क्या हो गया आपका उमरकोट, मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं कुछ उम्र दराज लोग हैं जो किसके साथ है, थार पारकर गाय के साथ हैं, और कैसे बैठे हैं, संघ में चल रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं दो तीन चार जने, ये एक संघ है, तो यहां से थार पारकर उमरकोट संगर, ठीक है, ये लोग कहीं पे जा रहे हैं और वहां पर बैठ के इन्होंने कुछ जो आग जला के कुछ पकाना चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात थार पारकर गाय के साथ है, कुछ उम्र दराज लोग हैं, संग में जा रहे हैं और वहां पर जो बैठकर जैसे उन्होंने आग जलाई है और वहां पर वो क्या बना रहे हैं, खीर पूड़ी बना रहे हैं, खाने के लिए खीर पूड़ी बना रहे हैं, दूध कहाँ से आ गया, थार पारकर गाय से आ गया, तो खीर पूड़ी बना रहे हैं, खीर पूड़ी से खैरपुर हो गया, और खीर पूड़ी में जैसा आप जानते हैं खीर में क्या डलती है, शक्कर डलती है, शक्कर से आपका डल गया सुकुर, और आपको जब खीर में जब आप उस शक्कर को डालेंगे तो उसको घोटना भी पड़ेगा और उसी से हो गया घोटकी। अब ध्यान रखिए सब चीजें बना दी गई और अब यहाँ पर हमारे पास हो गया कि थार पारकर गाय की से थार पारकर गाय चल रही थी, कुछ उम्र दराज लोग थे, तो उम्र दराज लोग से उमरकोट हो गया, संग में मतलब तीन चार जने साथ चल रहे थे तो संग से संगर हो गया, खीर पूड़ी बना रहे थे खैरपुर हो गया, सुकुर शक्कर डाल रहे थे उसमें शक्कर डाली आपने खीर पूड़ी में तो सुकुर हो गया, उसको घोटा आपने, इसको घोटकी हो गया। अब जब इस तरह की बात होती है आप जानते हैं कि जब भी तीन चार लोग बैठते हैं तो उसमें एक जो प्रमुख जो आदमी होता है वो अपनी बातें बताता है कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस की लाइफ में, तो उसी तरीके से रहीम जो सबका दोस्त है, क्योंकि मुस्लिमों में रहीम खान जो है वो एक कॉमन नेम है, तो रहीम चाचा जो है वो एक कॉमन नेम होता है, तो उसी तरीके से रहीम जो कि दोस्त है खान हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं, तो ऑलमोस्ट जो मुस्लिम समुदाय है वो पाकिस्तान को नेतृत्व कर रहा है, तो इस चीज को एक बार अपन यहाँ पर देखते हैं, हालांकि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और वो यहाँ पे भी रहते हैं वहां पे भी रहते हैं, सिर्फ हम एक याद करने की ट्रिक यहाँ पर हम लगा रहे हैं, तो रहीम जो दोस्त है जो मुस्लिम है जो पाकिस्तान में रहता है, तो रहीम यार खान वो अब बातें करते करते हम क्या करते हैं बहाव में आ जाते हैं, क्या अरे यार ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो बहाव में पूरे बहाव में आ गए, तो यहाँ पर दोस्तों पूरे बहाव में आ गए बहावलपुर, और फिर वो अपने बहाव बहाव में अपने नगर की ओर निकल गए, और इसी के साथ में ये हो गया बहावल नगर। अब देखिए दोस्तों हम इसको एज इट इज याद यहां पर करेंगे, बिल्कुल वही ट्रिक आपको अपनानी है, सबसे पहले गाय का थार पारकर, थार पारकर गाय के साथ क्या हुआ, थार पारकर गाय के साथ कुछ उम्र दराज लोग संग में जा रहे थे, खीर पूड़ी बना रहे थे, उसमें शक्कर घुटी गई, और फिर रहीम यार खान ने अपने बहाव में आकर पूरे बहाव में आकर और अपने जब बहाव में आए उन्होंने अपनी कहानियां बताई और उसके बाद वो अपने नगर की ओर पूरे बहाव में अपने नगर की ओर निकल गए। तो इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे नाम जो है वो नौ नाम आपके यहाँ पर याद हो जाते हैं दोस्तों। अब इसी तरीके से अपन आगे चलते हैं, पंजाब से जुड़े हुए जिलों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पंजाब से जुड़े हुए जिले में जो पहली बात इंपॉर्टेंट आने वाली है वो आपकी क्या रहेगी, वो समझिए कि यहाँ पर 89 किलोमीटर, कितना 89 किलोमीटर की ये जो सीमा है, बनाती है वो है मतलब पंजाब और राजस्थान की जो सीमा है वो 89 किलोमीटर सबसे कम अंतर्राज्य सीमा बनाती है 89 किलोमीटर। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर आप मिल्खा को देख रहे हैं, मिल्खा से हम याद करेंगे फजिल्का को, ये याद होने के लिए बहुत सीधा, और आप ये देख रहे हैं कि ये एक बाउंड्री को क्रॉस करते ही ये जीत जाएंगे, ठीक है, तो आपको किसी भी बाउंड्री को या किसी भी चीज को जब आप ब्रेक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार हम मुक्त हो गए हैं, ठीक है, किसी चीज को मुक्त कर देना, उसको मुक्त करते ही हम उनसे आजाद हो जाते हैं, हम जीत जाते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर को आप ध्यान रखें, और क्योंकि मिल्खा सिंह खुद सरदार थे, सरदार से पंजाब को बहुत ज्यादा रिलेट किया जा सकता है,
तो वजिलका और मुक्तसर जब भी आपको दिखेंगे तो ये पंजाब से जुड़े हुए हैं, और पंजाब से जुड़े हुए जो राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है वो किसके साथ, पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं। तो दो पंजाब के फजिलका और मुक्तसर और दो ही राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, एक बार बैक साइड में अपन चलते हैं तो इस बात को भी देख लीजिए कि राजस्थान के जो चार जिले हैं वो पाकिस्तान को छूते हैं, और वो कौन कौन से हैं दोस्तों, आपके एक तो बाड़मेर रहेगा, जैसलमेर रहेगा, बीकानेर रहेगा और श्री गंगानगर रहेगा। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के तो कितने जिले हो गए, 9 जिले हो गए, और भारत के सॉरी राजस्थान के कितने जिले हो गए, 4 जिले पाकिस्तान के साथ जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जबकि पंजाब के साथ अगर मैं बात करूं तो दो ही जिले फजिलका और मुक्तसर, और दो ही जिले आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ अपनी सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की बनाते हैं, 89 किलोमीटर की बनाते हैं। और याद करने का जो ट्रिक है वो सरदार पंजाब से मिल्खा सिंह फजिलका, और उसने अपनी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर दिया और वो मुक्त हो गया इस हार के बंधन से। हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से मुक्त होए और हम अपनी जो जॉब है, ये बेरोजगारी की जो डोर है उसको तोड़कर हम अपनी बेरोजगारी को खत्म करें और बेरोजगारी से बैग को हटा दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हरियाणा से जुड़े हुए जिले। अब हरियाणा से जुड़े हुए जिले में हम यहाँ पर इस पिक्चर को लेकर आएंगे और इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबका अपना अपना ट्रिक है, तो ऐसे कोई वो बात नहीं है कि आपकी अगर ये ट्रिक होगी तो ही याद होगा। YouTube हो या फिर कहीं पे भी हो, आपको कई पार्ट होते हैं जो सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो यहाँ पर भी अब हम लेके चलते हैं। तो हरियाणा से जुड़े हुए जिलों के मैं बारे में पहले चर्चा करूंगा कि हरियाणा से जुड़े हुए जिले में आप यहाँ पर एक देख रहे हैं कि यहाँ पर माता भवानी का एक मंदिर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो और इस जगह पे आप सनी देओल की आंखों में वो जुनून देख पा रहे हैं। तो देखिए, सिर पर, सबसे पहले सिर पर, ये सिर रहा तो सिरसा, सिर से सिरसा, फतेह का जुनून, फतेह का जुनून। तो वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, और वो पगड़ी वाला जुनून जो होता है, तो सिरसा और फतेहाबाद की हमें कोई चीज को फतेह करना है तो ये इस पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सिरसा, फतेहाबाद। और देखो, कोई भी लड़ाई जो होती है वो किसके लिए होती है, वो किसी हिस्से को पाने के लिए होती है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की बात हो या किसी भी अदर चीज की बात हो। तो ये बॉर्डर का कुछ लुक लिया गया है, तो बॉर्डर से जो हिस्से होते हैं, हिस्सों के जीतने के लिए। तो यहां से आप याद करेंगे हिसार को। ठीक है, माता भवानी के मंदिर में आप गए हो तो ये माता भवानी के मंदिर में जाते हो तो माता भवानी से जो भिवानी है उसको हम रिलेट करेंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात है वो आती है महेंद्रगढ़। क्या आ रही है, महेंद्रगढ़। अब देखिए, महेंद्रगढ़ को आपको एज इट इज यहाँ पर याद करना है, आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम याद करना है और वो है महेंद्रगढ़। ठीक है, मतलब ये जो हिस्से की लड़ाई है वो किस गढ़ में हो रही है, वो महेंद्रगढ़ में हो रही है या महेंद्रगढ़ नामक जगह पर हो रही है। और भिवानी के मंदिर में क्या मिलती है, रेवड़ी, जिसको मुंह में रखकर आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए जाना पड़ता है। सो बात की एक बात, अब इसको अपन यूं समझते हैं कि महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ क्या है, कोई प्लेस है। प्लेस कौन सा है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में कोई व्यक्ति है जो जीतना चाहता है, अपने हिस्से को लेना चाहता है, तो हिसार, वो फतेह करना चाहता है, सिर पे उसके फतेह का जुनून है, तो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। और वो किसके पास जाता है इसके लिए, माँ भवानी जो होती है, माँ भिवानी, तो भवानी से भिवानी मंदिर में जाता है, वहां पर ढोग लगा रहा है, वहां से उसको प्रसाद मिलता है। प्रसाद काय का मिलता है, प्रसाद मिलता है रबड़ी का, तो रबड़ी, रेवड़ी, तो रेवाड़ी, रेवड़ी से क्या हो जाएगा, रेवाड़ी, वो अपने मुंह में रखता है, मुंह से हो गया नुह। तो इस तरीके से इन नामों को आप याद कर सकते हैं। हालांकि देखो, ट्रिक्स इतनी स्ट्रोंग हो या नहीं हो, क्योंकि देखो ट्रिक्स कभी भी याद नहीं रहती, लेकिन जो मन में हम लोग कुछ थॉट्स रखते हैं, आपको कई बार लगा होगा कि बहुत सारे जो लोग ट्रिक्स बनाते हैं कि भाई जैसे काका का बाबा ने ये किया वो किया, तो दोस्तों उसके अंदर आपको 5 मिनट तो याद रहेगा लेकिन लंबे टाइम तक आप उस चीज को याद नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने हरियाणा से मान लो इसको सनी देओल का ये वाला सीन अगर याद कर लिया, तो आपको वो सीन आते ही आपको पूरी की पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी
कि यार सनी देओल था, सिर पे उसके पते है मतलब पगड़ी, सर में जुनून था, भवानी के मंदिर गया, उसने हिस्से के लिए लड़ाई की, रेवड़ी उसने मुंह में रखी। तो इस तरह की जो लॉजिक है वो मेरे को लगता है कि पिक्चर्स के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो आप उसको ज्यादा याद कर पाओगे। और अदरवाइज अब इसकी बात करें हम कि तो राजस्थान से जो जुड़ने वाले प्रदेश है वो हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है और अलवर है। ठीक है, तो यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और साथ में आपका भरतपुर। तो इस तरीके से 7 जो जिले हैं वो किससे टच हो रहे हैं, हरियाणा से टच हो रहे हैं। और हरियाणा के भी 7 ही जिले हैं जो कि किससे टच हो रहे हैं, राजस्थान से टच हो रहे हैं। तो 7-7 जिले दोनों के हो गए। अब अपन एक बार रिमेंबर करते हैं, पाकिस्तान के 9 जिले, राजस्थान के 4 जिले, पंजाब के 2 जिले, राजस्थान के भी 2 जिले, फजिलका और मुक्तसर। अब यहां पर अपन बात करते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह, ये आपके कवर होते हैं 7 नाम। अब जस्ट अपन इससे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 2 नाम। उत्तर प्रदेश का नाम जब भी याद आता है तो भगवान श्री कृष्ण से अपन रिलेट करते हैं। और यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं कि जो कालिया नाग है, कालिया नाग के मुंह से आप जहर की तरह आग की लपटे नजर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश वाला वर्ड लेते हैं, कालिया के माउथ से जो आग की तरह लपटे निकल रही है उससे हम रिलेट कर लेते हैं इस पिक्चर के साथ ही। आग से आगरा और माउथ से मथुरा को हम रिलेट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 2 जिले भगवान श्री कृष्ण के कनेक्शन में आते ही आगरा और मथुरा हमें एज इट इज याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पार्ट हो गया है। इसके बाद अब यहाँ पर इस चीज को और देखिए, उत्तर प्रदेश से जो टच करते हैं वो क्या करते हैं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जिसकी टोटल जो सीमा है वो 877 किलोमीटर की सीमा है। तो यूपी की जो सीमा रहेगी वो कितनी रहेगी, 877 किलोमीटर की सीमा रहने वाली है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी रहने वाली है दोस्तों, तो पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर की जो सीमा है, कितनी सीमा रहेगी, 1070 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ रहेगी। यूपी के साथ आपके 877 की सीमा रहेगी और हरियाणा के साथ में 1262। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लीजिए, जो हरियाणा के साथ है वो 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगेगी। ठीक है, तो 1070 किलोमीटर की सीमा आपकी किसके साथ हो गई है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। 89 किलोमीटर की सीमा किसके साथ हो गई है, पंजाब के साथ। 1262 किलोमीटर की सीमा किसके साथ हो गई है, हरियाणा के साथ। ठीक है, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर जो भरतपुर और धौलपुर से जो सीमा लगती हुई है आगरा और मथुरा की। मध्य प्रदेश की सीमा अब सबसे कम तो है 89 किलोमीटर धौलपुर, लेकिन मध्य प्रदेश की जो है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और अब टोटल नाम है 10। महाकाल से हम इसको याद करेंगे क्योंकि एमपी में आप जानते हैं कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है और महाकाल जो है वो मृत्यु को विजय करने वाले प्रभु है। तो यहाँ पर अब हम इस चीज को भी याद करते हैं और देखिए किस तरीके से हम इसको याद कर पाएंगे। ये टोटल हमारे पास में 3, 6, 9, 10 जो सिटीज हैं और 10 ही जो है वो राजस्थान के भी 10 जिले और आपके एमपी के भी 10 जिले आपस में जुड़ते हैं। तो इसको हम याद करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम मुरैना की। देखिए अब इस चीज को एक बार पूरा अपन देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए, पहले महाकाल के पिक्चर है। ठीक है, मंद 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 रोशनी मतलब धीरे धीरे जो रोशनी है वो यहाँ पर रात का समय आपको दिख रहा है। इस जगह पे रात का समय है, मंद मंद जो सौर क्या होता है, सूर्य की या तारों की जो रोशनी होती है उसको हम सौर कहते हैं। तो मंद 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 रात के समय मतलब रात से रतलाम, मंद से मंद सौर। ठीक है, और यहाँ पर जो पीछे जंगल जैसे झाड़ और ये सब उग रहे हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, झबुआ। तो झाड़ को हम इस नाम को यहाँ पर याद करेंगे, झाबुआ।
ठीक है, ये सब आपको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए, जब भी महाकाल की बात आएगी तो कभी भी हमारी मृत्यु नहीं हो, हम इसीलिए भगवान शिव को याद करते हैं तो कभी मरे नहीं, इसी चीज को श्योर करते हैं हम शिवपुर। मतलब क्या श्योर हो जाता है भगवान के पास भगवान महाकाल की पूजा करने से कि हम कभी भी मरेंगे नहीं, ये श्योर हो जाता है। कब हो जाता है? जब हम शिव की पुरी में जाते हैं, शिव के नगर में जाते हैं, तो शिवपुरी हमारा विश्वास दो गुना हो जाता है, तो उससे गुना हमारा राज गुना हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, हमारा माल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम मरते नहीं है, हम श्योर हो जाते हैं शिवपुरी की नगरी में, हमारा विश्वास दुगना हो जाता है, मतलब गुना हमारा राज हमारा माल, तो राज दुगना हो गया, हमारा माल कभी भी नीचे नहीं जाएगा। तो नीमच, आपको देखिए ये अपनी अपनी एक ट्रिक है, अपने अपने तरीके से आपको इसको याद करना है, और अगर आप इस तरीके से भी पढ़ते हैं तो भी यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में अगर आपने कोई भी स्टोरी को किसी भी तरीके से लिंक कर लिया मान लीजिए, तो वो चीज आपको हमेशा से याद रहेगी। मैं आपको क्वेश्चनों में भी आपसी लिंक करूंगा और उन चीजों को याद कराऊंगा। तो यहाँ पर अपन बहुत शॉर्ट में चलते हैं कि हम कभी मरे नहीं तो मुरे ना, हम इस चीज के लिए श्योर हो जाते हैं। तो श्योपुर ये दो गुना हमारा विश्वास दो गुना बढ़ जाता है कि हाँ आप सब सही होगा। तो यहाँ पर गुना हमारा राज बढ़ता है, हमारा माल कभी नीचे नहीं आता। माल नीचे आने का मतलब जो व्यापारी है वो समझ सकते हैं, अगर माल जो है वो बढ़ेगा तो ही हमें फायदा होगा, अगर माल नीचे जाएगा तो नुकसान होगा। तो हमारा जो माल है वो नीमच मतलब कभी नीचे नहीं जाता। और इस पिक्चर से आपके तीन चीजें और क्लियर होती है, झाबुआ, मंदसौर और रतलाम। तो इस पिक्चर से आप एक ये तीन वर्ड्स को आप अलग निकाल सकते हैं, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। झाड़ियों से झाबुआ, रात से रतलाम और मंद मंद जो रोशनी यहाँ पर है वो मंदसौर। और हम कभी मरेंगे नहीं, मुरे ना, श्योर हो गए शिव की पुरी में जाके, गुना हो गया विश्वास दो गुना हो गया, हमारा राजपाट बढ़ रहा है, अगर माल और हमारा माल जो है वो कभी नीचे नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपके 10 के 10 जो जिले हैं उनके वो नाम आप जो है वो याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, आपका बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और ये पूरे जो 10 के 10 जिले हैं वो कनेक्ट होते हैं आपके राजस्थान के मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कवर होता है। और ये कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की, ठीक है। उसी तरीके से 887 किलोमीटर पे, कितने किलोमीटर पे? 887 किलोमीटर पे उत्तर प्रदेश से आगरा और मथुरा से जुड़ते हैं 887 किलोमीटर के साथ में, 1262 किलोमीटर के साथ हरियाणा के साथ जुड़ते हैं और 89 किलोमीटर के साथ पंजाब से जुड़ते हैं और 1070 किलोमीटर के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात से जुड़े हुए जो जिले हैं उनकी बात करते हैं। देखो दाऊद को, दाऊद से आप क्लियर करूं कि दाऊद, दाऊद की कोई बहन है, मानी हुई बहन मान लीजिए माही, क्या नाम है उसका? माही। तो दाऊद की दाहोद, दाऊद से दाहोद, उसकी बहन कौन है? माही, ठीक है। तो माही और उसके पति को आप सागर कह सकते हो, तो ये माही से माही सागर, अगर अपन को माही भी आ गया तो वो रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोन करके अपनी बहन को क्या कह रहा है कि तू सबर कर, सबर कर। कांठे से, कांठा क्या होता है? कंठ को इसको आप कनेक्ट करो गले के लिए, कि ये दाऊद अपनी बहन माही से क्या कह रहा है कि तू सबर कर, तेरे कंठ के लिए मतलब गले के लिए मैं बनवा रहा हूं, बना से बनवा रहा हूं एक हार, ठीक है, एक अच्छा हार। तो देखिए अच्छा से कच्छ को लेंगे, अब ये चीज दाऊद, दाऊद को लेंगे, माही को, दाऊद ने अपनी बहन से कहा कि तू सब्र कर, तेरे लिए बनवा रहा हूं एक अच्छा हार। किसके लिए? तेरे कंठ के लिए एक अच्छा हार बनवा रहा हूं। तो दाहोद, महिसागर, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ कनेक्ट कर सकते हैं। और इस एक पिक्चर को अगर आपने रिमेम्बर कर लिया तो ये चीज आपके एज इट इज जो है वो याद हो जाएगी। और इसमें यहाँ पर जो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 1000
22 किलोमीटर के साथ गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है वो जुड़ती है। और साथ ही देखिए राजस्थान की जो सीमाएं हैं वो कितनी है, 1022 किलोमीटर, ठीक है। और कितने जिले, 6 जिले इसके जुड़ते हैं, ठीक है। एक और यहां पर मैंने मिस कर दिया है, उसको आप जरूर लिख लीजिएगा, अरावली। किसको? अरावली को। तो यहां पर दाहोद, महीसागर, साबर, बनास, कच्छ और अरावली, ठीक है। तो ये नाम आपको यहां पर याद होने चाहिए। दाऊद ने अपनी बहन माही को कहा कि अरे, अरे से अरावली, तू सबर कर, साबर काठा, मैं बनवा रहा हूं एक अच्छा सा हार। किसके लिए? काठा के लिए, गले के लिए। तो यहां पर दाहोद, महीसागर, साबर काठा, बनास काठा, कच्छ और अरावली, इस तरीके से टोटल 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों से मिलते हैं। और 6 जिले राजस्थान के जो होंगे वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, आपके सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किलोमीटर कितना? 1022 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपकी गुजरात से जुड़ने वाली जो सीमाएं हैं वो भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक और चीज हम लेकर चलेंगे, देखिए तीन लाख 42,239 वर्ग किलोमीटर, आप एज इट इज इसमें याद करके चलिएगा। अक्षांश, अगर हम, अब मैं आपको समझता हूं कि अक्षांश और देशांतरी रेखाएं जो है वो आप समझ ही गए होंगे। अक्षांश रेखाएं एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है दोस्तों? अक्षांश रेखाएं जो आपकी इस तरफ से, ये जो ये रेखाएं जो होती है पृथ्वी पे, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। और जो ऊपर से नीचे की ओर चलती है दोस्तों वो देशांतरीय रेखाएं होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए पृथ्वी को देखते हैं और इन्हीं लाइनों से जब सूरज इस जगह से इस जगह तक जा रहा है तो एक देशांतर का मतलब, एक डिग्री देशांतर का मतलब क्या हो जाता है? 4 मिनट हो जाती है। तो ये आप थोड़ा सा इस चीज को समझते हुए चले, तभी आपको दिन और रात का कंसेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो भी अपन ले लेते हैं। कि पहली चीज तो ये कि जो कॉर्नर के गांव पूछे जाते हैं, तो कॉर्नर के गांव को भी हम एक बार देखते हुए चलते हैं। सबसे उत्तर में देखिए यहां पर इस तरह का कोना निकला हुआ है, इस तरह का एक कोना निकला हुआ है और इसी को कहते हैं कोणा गांव, बिल्कुल कोणा निकला हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोणा गांव। और ये कहां पर होता है? श्री गंगानगर सिटी के अंदर, श्री गंगानगर जिले में। और तहसील कौन सी होगी? गंगानगर ही तहसील होगी। तो आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा गांव है, तो वो कौन सा कोना निकला हुआ है, आप इसका जब मैप देखेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि ये इस तरह का एक कोना निकला हुआ है और इसीलिए कोना गांव यहां पर इसका नाम हमने रखा है, ठीक है। और बिल्कुल अगर मैं नीचे नीचे जाऊं, आप ये समझिए कि ये कोई एक कोई चीज पड़ी हुई है, यहां पर से कोई बोर अगर नीचे फेंका जाएगा या बोर अगर फेंका जाएगा तो वो बोर कहां पर जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप ये देखो, ये कुंड जैसा दिख रहा है आपको, तो नीचे की तरफ ही जाएगा ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कौन सा गांव? बोर कुंड। बोर कहाँ गया? नीचे गिर गया। और तो ये कुंड जो होता है वो नीचे की तरफ ही होगा, कभी ऊपर तो होगा नहीं। तो ये सीधा सीधा याद कर सकते हो कि कौन सा गांव? बोर कुंड गांव, ठीक है, बोर कुंड गांव। और ये बिल्कुल नीचे गया, एकदम अपन वैसे बोलते ना कि कोई पत्थर फेंकते हो बिल्कुल अंडर उसमें चला जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं? क्या ही कुशलता से फेंका गया, कुशल नेतृत्व, कुशलता से फेंका गया। तो यहीं से कुशलगढ़, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं यार, कितना सही गया, कितना कुशलता से गया। तो बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील, यहां पर कोणा गांव गंगानगर तहसील, ठीक है। अब आ जाए इस तरफ, देखो यहां पर जो यूपी और राजस्थान की जो सीमा है इस जगह पर, आप इसका जो बिल्कुल कोना जो है वो कौन सा है? यूपी और राजस्थान से टच करता हुआ। यहां पर दो राजा खड़े हुए हैं, क्या खड़े हुए हैं? दो राजा खड़े हुए हैं, ठीक है। और ब्रज की जो भाषा होती है दोस्तों, ब्रज की भाषा एक दूसरे से मिलाने वाली होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो सिल देती है एक दूसरे को आपसी प्रेम में, जैसे राधा कृष्ण का प्यार आपस में एक दूसरे को सिल देता है, तो उसी तरीके से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो दो राजा खड़े हैं आपस में
और वो ये चाहते हैं कि अरे हमें राधा कृष्ण की तरह एकदम प्यार में एक दूसरे को सिल जाना चाहिए, तो गांव का नाम हम सिलाना रखेंगे। और कौन खड़े हैं, तहसील कौन सी होगी, राजा खेड़ा, मतलब दो राजा खड़े हुए हैं कहाँ पर, एक उत्तर प्रदेश में एक राजस्थान में, और दोनों ने कहा कि ब्रज की जो मिठास होती है, प्रेम होता है, बोले हमें जो उसको सिलना एक तरह से, तो यहाँ पर सिलाना गांव को हम यहाँ पर ले सकते हैं। और अब आ जाइए पश्चिम की तरफ, जो जैसलमेर है, जैसलमेर के पार्ट को हम ले लेते हैं। और जैसलमेर का जो बिल्कुल कोना है वो 69-30 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। आपको मैं बता देता हूँ, सिलाना गांव जो राजा खेड़ा है वो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो कटरा गांव है, अब यह देखिए भारत और पाकिस्तान, जैसे यहाँ तो प्रेम था इसीलिए सिलाना हो गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान तो आपस में कट्टर विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम की यहाँ पर जो कट्टर विचारधारा देखने को मिलती है, तो कटरा क्या हो गया, एक तरह से भारत पाकिस्तान की विचारधारा मैच नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या देखें कि कटरा है, आपस में कट्टर है एक दूसरे के, तो कटरा गांव। और बात यह है कि भले ही कट्टरता है लेकिन समानता पूरी है, इंसान वहां पर भी है, इंसान यहाँ पर भी है। तो तहसील का नाम है सम तहसील, आपको ये वाली चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, अलग अलग आकार वाले जिले। अलग अलग आकार वाले जिलों में अब इम्पोर्टेंट कुछ हम लोग पार्ट लेने वाले हैं। तो देखिए जो टोंक आप देख रहे हैं, टोंक को हम क्या बोलते हैं, पतंगाकार। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि जो पतंगाकार इलाका तरह है वो कौन सा है, टोंक है। अगर मैं राजसमंद की बात करूं तो तिलक जैसा दिखने वाला, ठीक है, तिलक की तरह लगने वाला वो कौन सा होगा, राजसमंद होगा, जो तिलक की तरह नजर आएगा। अजमेर को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार, ठीक है, जैसे ये वाला। तो त्रिभुजाकार की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सा होगा, अजमेर। इसको आप सबसे पहले देखिए, मैं इसको इस तरह इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें मैप के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और आपका भी काम ये रहेगा कि एक रफ ओल्ड जो आपका राजस्थान का मैप है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो पॉलिटिकल मैप करके आप दुकान से ले सकते हो, एक रुपए का आता है, नहीं तो फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा और पूरा खाली ब्लैंक करके आप एक बार इन सब में इन जिलों के नाम लिखिएगा, क्योंकि इन जिलों के नाम लिखने से आपको बहुत चीजें याद होगी कि आने वाले टाइम पे हम देखो हर चीज जो पढ़ेंगे जिले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसीलिए आपका सबका काम रहेगा कि आप इन जिलों को जो है वो फिल जरूर 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 करेंगे। ठीक है, टोंक हो गया है, अजमेर हो गया है, भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा को हम कहते हैं आयताकार। ठीक है, तो आयताकार कौन होगा, भीलवाड़ा होगा। ठीक है, उसी जगह पे यहां पर जो करौली हम देख रहे हैं, तो करौली को हम बोलते हैं बतख की तरह दिखने वाला, तो बतखाकार। किसकी बात करेंगे, करौली की। करौली क्या हो जाएगा, बतख की तरह दिखने वाला, बतखाकार। कटोरे नुमा प्याले नुमा, तो कटोरा प्याले नुमा आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए सीकर को आप यू देख रहे हैं, तो कटोरा या प्याला नुमा कटोरा। ठीक है, कटोरा प्याला नुमा, तो कटोरा प्याला नुमा कौन सा होगा, आपके सीकर जो है वो होगा। और एक और आता है सप्त बहुभुजाकार, सप्त बहुभुजाकार मतलब ये देखिए आप, तो सप्त भुजाकार किसको कहेंगे, आपके जैसलमेर को सप्त बहुभुजाकार कहेंगे। ठीक है, और साथ में जो आपके जालोर है, जालोर को हम बोलेंगे वहल मछली के आकार का दिखने वाला। अब आप कहेंगे ये कैसे क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या आते हैं, सप्त, इसको मैं लिख देता हूं बहुभुजाकार, ये आपके एग्जाम में आएंगे, इसीलिए आपको ये यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा जो चैप्टर था दोस्तों, राजस्थान की भौतिक दशाएं, उनको हमने कवर किया है। राजस्थान की भौतिक दशाओं को कवर करने के बाद में अब हम भौतिक स्थिति जो इसके संभाग है उन सब पे भी चर्चा करेंगे, और साथ ही इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लेके हम एक एक क्वेश्चन को लगातार कवर करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ का आज की जो क्लास है वो यहाँ पर फिनिश होती है। और साथ ही दोस्तों जो सरस्वती स्टैनो क्लासेस की तरफ से
RSMSS भी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के लिए स्पेशल बैच जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन चलाए जा रहे हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि इस बार जो एग्जाम में क्लियर होगा वो सिर्फ स्टेनोग्राफर क्लियर होगा। अगर नंबर आपके कितने भी हो, आप 95% भी नंबर ले आओगे, अगर स्टेनो में 80 WPM से नीचे अगर आपने लिखा तो आप सीधे बाहर हो जाओगे, क्योंकि 100 WPM पे सिर्फ 20% का ही रिलैक्सेशन दिया गया है। तो स्टेनो को आपको मजबूत, बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है और मिलते हैं कल फिर आगे के पार्ट को लेकर। धन्यवाद।